नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद, NNTV नागपुर न्यूज टीवी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम लगातार नागपुर स्मार्ट सिटी की पोल खोल रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारा चौथा सीजन है नागपुर स्मार्ट सिटी की पोल खोलने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नागपुर लोकसभा से आदरणीय नितिन गडकरी जी हमारे नागपुर शहर के खासदार है, और उसी तरीके से हम आज एक बार फिर पूर्व नागपुर, ईस्ट नागपुर में आए हैं दोस्तों, जहां पर कृष्णा खोपड़े जी MLA है। उसके अलावा प्रभाग नंबर 26 है, ये मिलिंद नगर। प्रभाग नंबर 26 में तकरीबन 60,000 लोगों की आबादी, पॉपुलेशन वाला ये एक एरिया है जो नागपुर सिटी में आता है। नागपुर सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी को अलाउड हुए हैं, उसके बाद में करोड़ों रुपए का घोटाला भी उजागर हो सकता है। अभी हम आप जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो एरिया, ये कोई ग्रामीण एरिया नहीं है। आपको वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप कोई गांव का सीन देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी हम हैं नागपुर सिटी में, ईस्ट नागपुर में हैं। हम हैं अभी पूर्व नागपुर, जिसे कहा जाता है, कृष्णा खोपड़े जी का ये एरिया है। यहाँ पे 4 नगर सेवक BJP से, जो कि लगातार बड़ी पोस्ट पर रह रहे हैं, जिसमें से उप महापौर का ये एरिया है प्रभाग नंबर 26, और एक सभापति है इसी वार्ड से। इस एरिया को और प्रभाग नंबर 26 को VIP प्रभाग भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ के चारों नगर सेवक VIP पोस्ट पर है। ये देखिए, लगातार नागपुर न्यूज टीवी आपको दिखा रहा है यहाँ की, ये जो पूरे कच्चे रास्ते हैं चारों तरफ, और यहाँ के लोकल रहवासियों से हम अभी आपकी बात कराएंगे। ये देखिए लोगों का विरोध किस तरीके से हो रहा है। गटर लाइन यहाँ पे नहीं है, हमारी मांगे पूरी करो, रोड नहीं है, गटर लाइन नहीं है, रोड नहीं है। आइए दोस्तों बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम बताइए। मीनाक्षी जी, बताइए आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं मिलिंद नगर में? 4 साल से। और यहाँ के रोड की, पानी की क्या समस्या है यहाँ पे? पानी जमा होता है, रोड अच्छे नहीं है, और क्या, गटर लाइन नहीं है, मच्छर की ज्यादा प्रॉब्लम है। आपका नाम बताइए। शिल्पा देवगढ़। देवगढ़ मैडम, आप बताइए आप यहाँ पे कब से हो? मैं तो 5 साल हो गए यहाँ पे हूँ, तो लेकिन ये इसमें तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। कितने दिन हो गए, कुछ वार्ड मेंबर कभी आते नहीं, कभी पूछते नहीं क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पूछते, कुछ भी बोलते नहीं। हमारी प्रॉब्लम तो अभी आपको पता है कि क्या है, मच्छर है, गटर। अच्छा, आपका प्रभाग नंबर 26 है? हाँ। और यहाँ पे 4 नगर सेवक है? 4 नगर सेवक। चारों कौन सी पार्टी से है? एक तो BJP। BJP के सभी, चारों BJP के। ये पूर्व नागपुर कहा जाता है, और नागपुर लोकसभा हमारे नितिन गडकरी, जो हमारे देश के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर भी है, उनका क्षेत्र रहने के बाद इस एरिया की, जैसा हम भी गाड़ी से आए हैं तो हमको ऐसा फील हो रहा था जैसे हम कोई गांव में इंटर हो चुके हैं। वही तो, यहाँ पे टैंकर आती ना, सब रोड छोड़ देते हैं। अगर रोड अच्छा भी हुआ तो भी एक टैंकर के वजह से पूरा दब जाता है, वो पूरा देखो आप ही देख रहे हो। मतलब ये रोड बनाने में भी कहीं ना कहीं लापरवाही है, बोल रहे ये लोग की सैंक्शन हो गया करके, ये लोग बोल रहे कि डांबर सैंक्शन हो गया करके, लेकिन ये लोग तो कुछ भी नहीं किया अभी तक तो। अच्छा, आप लोगों की ये जो समस्या है, आप ये समस्या लेके कभी अपने नगर सेवकों के पास गए हो? कितने बार जाएंगे हम लोग? कितने बार गए? बहुत बार गए हम लोग। तो क्या कहना है, लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, हम आएंगे, करेंगे, सैंक्शन हो गया, रोड बोलेंगे, करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, ये समस्या लेके कभी आप अपने आमदार के पास गए हैं, कृष्णा खोपड़े जी के पास? हाँ, गए हैं ना। क्या कहना है, वो भी वही वही बोल रहे हैं सर। अच्छा, मतलब कहीं पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसके अगेंस्ट में आप लोगों ने फिर, जैसा अभी आने वाले 1 साल में या 1.5 साल में जो है नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है, तो इस इलेक्शन में आप लोगों ने क्या सोचा है फिर? तो कुछ विकास के मुद्दे पर आप वोट करेंगे या फिर इस बार फिर BJP वोट करेंगे? तो विकास के मुद्दे पर वोट करना पड़ेगा ना। तो विकास के मुद्दे होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, सोचेंगे ना हम लोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम बताइए। मैडम, आप बताइए कि आप यहाँ कब से रह रही हैं? मैं 14 साल। 14 सालों से? हाँ। और 14 सालों में आपने यहाँ क्या बदलाव देखा? बदलाव तो कुछ नहीं देखा, बस चुनाव के पहले आते हैं, थोड़ा यहाँ पे पत्थर उत्तर डाल देते हैं, उसके बाद में बोलते हैं रोडकरण हो जाएगा, कुछ नहीं होता, फिर बारिश होती है, फिर वो दब जाते हैं, फिर ऐसी परिस्थिति आती है। तो 14 सालों में आप कितने, जैसा 4 नगर से आपने कम देखे होंगे,
तीन नगर सेवक आपने देखे होंगे, पांच साल में अगर एक चुनाव पकड़े तो तीनों टर्म्स के नगर सेवकों ने आपका काम नहीं किया? नहीं नहीं, किसी ने नहीं किया। एक दो बार, तीन चार बार गए खोपड़े जी के ऑफिस में, उन्होंने बोला कि खरीद प्लाट खरीदने के पहले हमको पूछा था का ऐसा वैसा। अच्छा, ऐसा कहते हैं? ऐसा बोलते हैं लोग। अच्छा, आप लोगों के यहाँ के जब बच्चे स्कूल जाते होंगे तो उनको बारिश पानी में कितनी समस्या होती है? प्रॉब्लम, बिना चप्पलों के बिना जूतों के वो लोग स्कूल में गए हैं। ओ हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो जाते समय भी उनके कपड़े बच्चों के स्कूल जाते समय गंदे हो जाते होंगे? गंदे हो जाते थे, वैसे ही रहते थे बच्चे, फिर आने के टाइम उनकी चप्पले जूते पकड़वा। अच्छा, इतनी गंदगी यहाँ पे है, इससे मच्छर और मलेरिया का भी बहुत खतरा होता है। बच्चों को इतना इन्फेक्शन होता है कि उनको महीने में से एक बार दवाखाना लेने के लिए जाते। अच्छा, हर महीने में एक बार कम से कम बच्चों को दवाखाना लेके जाना पड़ता है। बारिश की वजह से मच्छर और कीड़े अलग अलग प्रकार के। तो ये नितिन गडकरी जी का लोकसभा क्षेत्र है, कभी आप लोग नितिन गडकरी जी के पास गए ज्ञापन लेके? नहीं गए ना, हम खोपड़े जी के पास गए। तो नितिन गडकरी जी तो विकास पुरुष के नाम से मशहूर, एक बार जाना चाहिए था आपने उनके पास। जाते हैं लेकिन मिलते नहीं, ऐसा बोलो ना, गए थे नहीं क्या, झूठ काहे को बोलते हैं। अभी इन लोग गए होंगे। अच्छा, आप नहीं गए थे लेकिन खोपड़े के यहाँ बहुत बार गए हम। अच्छा, कृष्णा खोपड़े जी के पास बहुत बार ही गए लेकिन वहाँ से कोई आपको मदद नहीं मिली? जाते हैं बस, उन लोग बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम बताइए। चौधरी। चौधरी सर, आप बताइए कब से रहते हैं आप यहाँ? 12 साल हो गए सर यहाँ पे। जी, यहाँ पे कुछ चलने के लिए जगह ही नहीं थी। अच्छा, ये रोड हमने सब मिलके बनाया है, पैसों से, अपने पैसों से। अच्छा, पर्सनल पैसों से? यस सर, हाँ सर, पर्सनल पैसों से हमने जमा किया, गवर्नमेंट की मदद की। हाँ सर। तो आप अपने नगर सेवक के पास जाते हो तो उनका क्या जवाब होता है? नगर कुछ भी नहीं, कल ही गया था मैं जाके, आप चलो बोला साहब, हमारी दशा देखो बोला कैसी है। अरे चौधरी साहब, हम आते बोले, आते क्या आई रहे हो, देखो चार पांच घर गाड़ी लेके गिर गए सर, वो बच्ची गिर गई सर वहाँ पे। अच्छा, हमारे लोगों का ख्याल नहीं था, दौड़ के गए, वो बच्ची बच गई। तो पूरा बताइए किस्सा क्या हुआ था कल बच्ची के साथ? वो बच्ची खेलते 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 गिर गई वो पानी में, इतना पानी है वहाँ पे। अच्छा, इतना पानी था? यस सर। फिर उसके बाद किसने बचाया उसे? वो हम लोग तीन चार जन गए। अच्छा, हाँ सर। तो ये चीज आपने आज नगर सेवकों को बताई थी क्या? बताया था कि कोई सुनेगा तब ना। नहीं आए, नहीं आए ना, मतलब यहाँ पे 25 से 30 साल से एज इट इज कंडीशन में कोई वर्क नहीं हुआ। अच्छी नहीं था ये तो बताया ना आपको, हमने बनाया कसर चलने के लिए, बच्चे गिर जाते स्कूल जाते जाते, वो आशे कंधे पे लाते हैं हम लोग, कंधे पे जाते बच्चे। अच्छा, कोई सुविधा नहीं है सर। आप लोगों ने अपने क्षेत्र के आमदार को भी तो ज्ञापन दिया होगा? 500 बार गए सर हम, तो धरना भी देते हम बैठे वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि कृष्णा खोपड़े जी यहाँ से तीसरी बार आमदार है तकरीबन, जहाँ तक मुझे आइडिया है, 15 साल से यहाँ के आमदार है, तो उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। क्या बोलते हम कर देंगे, क्या बोलते हम आशा आशा रखते, क्या बोलते हम कर देंगे, लो पूछो, सब गए हम, सबसे कम उसके पास गए, तुम्हारे ये मैडम उनके पास गए। अच्छा, आपके आपके क्षेत्र से ये जो प्रभाग नंबर 26 है इसको VIP वार्ड कहा जाता है नागपुर में बहुत सारी जगह, क्योंकि आपके प्रभाग से उप महापौर है, आपके प्रभाग से इसके पहले क्या बोलते बड़ी बड़ी पोस्ट पर आपके नगर सेवक है, यहाँ पे चारों नगर सेवक बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, दो नगर सेवक सभापति है, कोई नगर सेवक सभापति रह चुके है, कोई कोई समिति के अध्यक्ष रह चुके, इसके बाद में भी यहाँ इतनी बुरे हाल क्यों है? कोई आगे देखता नहीं, कल ही की बात है, मैंने बोला हमारी दशा देखो हम कैसे रहते हैं, आप खाली 10 मिनट के लिए चलो बोला सर, तो फिर भी नहीं आए, फिर भी नहीं आए, 10 मिनट के लिए देखो बोला खाली बोला, आपका गाड़ी है घोड़ा है सर, उनके सर निकलते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपका जो ये एरिया यहाँ का पॉपुलेशन कितना होगा? करीब पूरा टोटल 60,000 का पॉपुलेशन है, वोटर है यहाँ। ठीक है, बहुत चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे कि कितने बुरे हाल है पूर्व नागपुर के। अभी हम यहाँ के एक कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, जनाब अब्दुल सलाम भाई, उनसे आपकी चर्चा कराएंगे, उनसे आपकी बात कराएंगे और उनका नजरिया जानने की कोशिश करेंगे। अब्दुल सलाम भाई, NNTV पर आपका बहुत स्वागत है। आप बताइए, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं तो यहाँ पे करीबन 7 से 8 साल हो गए। 7 से 8 साल से जैसा आप रह रहे हो। अच्छा। और जो हिसाब से आप आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हो, तो आप तो माहिती के अधिकार में भी डाल सकते हैं, आप तो लेटर भी बना सकते हैं, तो आपने कभी कोशिश की है रोड वगैरह के लिए? मैं कमिश्नर तक गया। अच्छा, नगर सेवक की तो मैं नगर सेवक तभी कभी गया नहीं। अच्छा। ना MLA तक गया, मुझे ये मालूम था
ये हाउ बोल के टाल देंगे। जैसा इनके पास में गए अपन डेपुटेशन लेकर भी, ये बोलेंगे ठीक है हम आ रहे कर दे रहे, बाकी कुछ नहीं होता। इसलिए मैं डायरेक्ट कमिश्नर तक गया और कई बार उन्होंने बोले भी कि अपन करेंगे कर, बाकी वहाँ पर भी ऐसा फिलहाल में रिस्पॉन्स मिला नहीं। अच्छा आप कमिश्नर साहब जो नागपुर कमिश्नर जो NMC के होते हैं उनके पास कितने बार गए? इसके पहले 4-5 साल पहले मुरैना साहब थे, यहाँ पे नेहरू नगर जोन नंबर 5 में, तो मुरैना साहब की तरफ गया था वो आयुक्त, सह आयुक्त, सह आयुक्त के तरफ मुरैना साहब की तरफ गया था। तो वो आए थे, आने के बाद में उन्होंने देखा, फिर एक दो गाड़ी भेजा उन्होंने और बस वही लिपापोती कर दिया, उसके बाद में कोई। अच्छा ये नेहरू नगर जोन में आता है? नेहरू नगर। अच्छा नेहरू नगर 5 साल पहले नेहरू नगर जोन में भी आपने कंप्लेंट डाली है? कंप्लेंट उसके। अच्छा ये पूरा जो प्रभाग है इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? प्रभाग नंबर कितना है ये? प्रभाग नंबर 26 और इसका पॉपुलेशन है करीबन 60,000। 60,000। और यहाँ से कितने नगर सेवक है? यहाँ से 4 नगर सेवक है, वो भी बीजेपी, चारों बीजेपी, चारों बीजेपी। और ये पूर्व नागपुर में आता है, तो पूर्व नागपुर के MLA कृष्णा खोपड़े, कृष्णा जी खोपड़े। और ये नागपुर लोकसभा जो सीट है ये नितिन जी गडकरी, नितिन जी गडकरी। तो आप जो है जैसा नितिन गडकरी जी तो विकास पुरुष के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, वैसे अभी हमने बहुत सारे नागपुर के ऐसे एरिया दिखाए कि जहां विकास के नाम पर शून्य है, तो इस विषय को कभी आपने नितिन गडकरी जी की तरफ लेके गया? नहीं, मैं नितिन गडकरी जी की तरफ कभी नहीं गया। अच्छा, तो जैसा इतनी ज्यादा प्रॉब्लम 12-13 साल से लगातार आपको है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको नितिन गडकरी जी के पास जाना चाहिए था? नहीं, मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ी अभी। और ऐसा अभी मुझे पब्लिक का जो आक्रोश दिख रहा है, ये जो पब्लिक अभी जमा है और इसके इधर भी पूरे प्रभाग में जो पब्लिक का जो आक्रोश हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। मैं अपने तरफ से, इस प्रभागवासियों की तरफ से और अपनी आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे सवाल उठाना ही है, किसी भी हालत में उठाना। अभी मेरे को रुकना नहीं है अभी, क्योंकि पब्लिक की जो समस्या है मुझे देखा नहीं जाए। तो आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी मेरी ये है, अभी ये इलेक्ट्रिक बिल के भी बारे में है, काफी लोगों को इलेक्ट्रिक बिल आ चुका हुआ है, जिसको 2,000 आते था उसको 5,000 आया, 7,000 आया, 10,000 आया। इन लोगों ने इंस्टॉलमेंट दिए 3 महीने की, 3 महीने में तुम भरो, 3 इंस्टॉलमेंट दिए इन्होंने। मेरा कहना एक है कि 3 इंस्टॉलमेंट भी देंगे तो तुम उसके ऊपर ब्याज लगाएंगे करके। मेरा कहना यह है कि अपने महाराष्ट्र से बिजली दूसरे स्टेट में जाती है वो फ्री दे सकते, दिल्ली स्टेट बाहर से लाता है फिर भी वो दिल्ली स्टेट बिजली फ्री दे सकता है लोगों को, तो मेरा कहना क्या है, महाराष्ट्र स्टेट क्यों नहीं दे सकता है? हमें 3 किस्त नहीं चाहिए इलेक्ट्रिक बिजली बिल के लिए, हमें पूरे लोगों का बिजली बिल माफ चाहिए महाराष्ट्र के पुण्य लोग। तो ये बिजली बिल को माफ कराने के लिए आप किस तरीके से संघर्ष करेंगे? संघर्ष तो चालू है ना, नितिन राव जी को बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी, राव जी को आपने कोई ज्ञापन दिया है क्या? ऊर्जा मंत्री नितिन राव जी को भी ज्ञापन दिए है, मुख्यमंत्री साहब को भी ज्ञापन दिए है। अब नितिन राव जी ये बोल रहे हैं कि वो स्टेट से पैसा मांग रहे हैं, उनका कहना ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे पैसा देंगी तो मैं पूरा तो माफ नहीं करूंगा, बाकी कुछ नहीं कुछ हिसाब से मैं बिजली बिल माफ करूँ। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किस तरीके से फिर पूरा भी, जबकि वो तो बिजली बाहर से लेते हैं, तो फिर महाराष्ट्र के जो ऊर्जा मंत्री है वो पूरा बिल क्यों नहीं माफ करता? मेरा कहना ये है कि जब दिल्ली में बाहर से बिजली आती है फिर भी वहाँ पे पानी फ्री, बिजली फ्री, बाकी समस्याएं जो भी है वो फ्री मिलती है, बाकी अपने स्टेट में जब बिजली मिल रही है तो ये जो पब्लिक को है, पब्लिक को बिजली माफ क्यों नहीं हो रही करके मेरा कहना ये है कि बिजली माफ होना चाहिए और ये संघर्ष जारी रहेगा। चलिए आप ये संघर्ष कीजिए। और दोस्तों नागपुर न्यूज टीवी NNTV भी अगली जो सीरीज हमारी आएंगी वो महाराष्ट्र के बिजली बिल के ऊपर रहेगी, क्योंकि नागपुर के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है, हमें लगातार लोगों के मैसेज आते हैं, हमारे लाइव वीडियो में कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे एरिया को कवर कीजिए, हमारे एरिया को कवर कीजिए। दोस्तों नागपुर न्यूज टीवी पर अगर आपको आपके एरिया की कोई समस्या है तो हमारे लाइव वीडियो में कमेंट्स में आपकी समस्या लिखिए और आपका मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपके यहाँ आएंगे, आपके एरिया की लाइव वीडियो बना के प्रशासन के सामने रखेंगे और आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो नागपुर न्यूज टीवी के पेज को फॉलो कीजिए, नागपुर न्यूज टीवी का ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नागपुर न्यूज टीवी यूट्यूब पर हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को दबाइए ताकि हमारा हर आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। कैमरामैन तौफीक और मुकर्रम के साथ मैं मोहम्मद शहजाद, NNTV, जय हिंद।